जनगणना 2021 के संचालन और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा जाति आधारित जनगणना नहीं की है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जनगणना 2021 कराने की सरकार की योजना 28 मार्च 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है। नित्यानंद राय ने सदन में यह भी बताया कि सरकार ने जनगणना 2021 की कवायद के लिए 8,754 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी थी, लेकिन कोरोना काल ने सभी योजना को खराब कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले 5 साल में 4,844 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि 2021 में 1,773 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है, वहीं 2020 में 639 विदेशियों को, 2019 में 987 विदेशियों को और 2018 में 628 विदेशियों को, और बात करें 17 की तो 817 विदेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इसमें मशहूर गायक अदनान शामी का भी एक नाम है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।